भोले भवन सत हनुमान की जय, गुरु बजरंग बली की जय। प्रोफेसर, अबे हुड्डा में तेरे को ही फोन लगा रहा था यार। हाँ तो अरे बैठ के दारू पीते हैं साथ में। अरे यार यहाँ लफड़ा हो गया है, मैं अपना चश्मा लाना भूल गया हूँ। कहाँ है तू? होटल में। उत्तर बहन की, मतलब काम अभी तक नहीं पूरा हुआ है यार। मेहता की घरवाली की फोटो टोटल आउट ऑफ फोकस है, अब समझ में नहीं आ रहा है गोली चलाऊं तो किस पर चलाऊं। प्रोफेसर एक काम कर यार, वहाँ स्विमिंग पूल में जितनी भी लेडीज है ना सबको उड़ा डाल। हुड्डा बात को सीरियसली ले ले यार। अच्छा ठीक है, ले हो गया सीरियस। हेलो। हाँ मेहता, काम हो गया? काम बस होने वाला ही है। एक्चुअली प्रोफेसर बैठा है होटल की खिड़की पर राइफल तान के तैयार। गुड यार, लेकिन एक छोटी सी टेंशन है। वो तेरी घरवाली देखने में कैसी लगती है? मतलब वो क्या है ना यार कि स्विमिंग पूल पे बहुत सारी लेडीज हैं। अब प्रोफेसर जो है मेरे साथ बात कर रहे हैं दूसरी लाइन पे, तो वो ये जानना चाहता है कि तेरी घरवाली उनमें से कौन सी है, कैसी लगती है। मैंने फोटोग्राफ तो भिजवा दिया था। अरे वो कह रहा फोटो तो भिजवाया था। समझा यार उसको। हाँ नहीं मेहता, वो क्या है कि जो फोटो है वो आउट ऑफ फोकस है, क्योंकि भाई यार चश्मा भूल गया। उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली प्रोफेसर को क्या कहते हैं यार उसको, हाँ रीडिंग ग्लासेस हैं। मतलब सिर्फ पास की चीज जो है वो क्लियर नहीं दिखती, दूर की चीज बिल्कुल क्लियर दिखती है, और स्विमिंग पूल भी दूर है। हैं क्यों प्रोफेसर? अबे हुड्डा पॉइंट पे आजा जल्दी से। हाँ तो बता भाई, क्या हुलिया तेरी घरवाली का ताकि मैं प्रोफेसर को मैसेज पास ऑन करूं। कुतिया है तो हरामजादे, मगर दिखने में बड़ी मस्त है। वो कह रहे हैं कि बड़ी सुंदर है। अबे उसको बोल कि स्विमिंग पूल पे एक दो को छोड़ के ना सब बहुत सुंदर है, एक से एक छरारे बदन है, जी में आ रहा कि कच्चा ही खा जाऊं। ओ एक्चुअली प्रोफेसर जो है वो और डिटेल जानना चाह रहे हैं। और डिटेल्स? उसने लाल कलर की बिकनी पहनी होगी, उसके पास सिर्फ एक ही बिकनी है जिसका रंग है लाल। लो प्रोफेसर बन की बात, जिस भी औरत ने लाल रंग की बिकनी पहन रखी है उसको उड़ा दे। मिल गई, मिल गई। अबे दो औरतों ने लाल बिकनी पहनी हुई है यार। ओ बहन चल। अरे यार दो लेडीज ने पहन रखी है लाल बिकनी, क्या करें अब। मेरी वाइफ की बिकनी ब्राइट रेड है। ला भाई प्रोफेसर, जो ब्राइट रेड कलर की बिकनी पहन रखी है जिसने उसको उड़ा दे। अबे दोनों की बिकनी ब्राइट रेड कलर की है। अरे यार दोनों की बिकनी ब्राइट रेड कलर की है। मेरी वाइफ की बिकनी स्ट्रैपलेस वैरायटी की है। ये कुछ यार स्ट्रैपलेस बोल रहा है यार, ये स्ट्रैपलेस क्या होता है? वो मैं तेरे को बाद में समझा दूंगा, उसको बोल कि दोनों की बिकनी स्ट्रैपलेस ही है। अरे दोनों स्ट्रैपलेस हैं। अरे मेहता स्ट्रैपलेस क्या होता है भाई? अरे तुम नहीं समझोगे, प्रोफेसर से कहो कि उस बिकनी में मेरी वाइफ के बम में छलकते से है। ये कह रहा है कि उस बिकनी में से उसकी घरवाली के थन जो है वो छलकते हैं। अरे थन क्या है, एक तो पूरी पूरी छलक रही है और दूसरी टपक रही है। अरे एक की बिकनी में से छलक रहे हैं और दूसरी के में से टपक रहे हैं। अरे जो छलक रही है वही मेरी बीवी है। जो छलक रहे हैं वो मेहता की घरवाली है। अरे उससे कह दे जो छलक रही है वो टपक भी रही है और जो टपक रही है वो छलक भी रही है। अरे माँ चुटा गया सोता यार बहन, तो मेरे से नहीं होता गांड पंगा, ऐसा लग रहा है पेदर कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट सुन, मैं तेरे दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन बिठा देता हूँ, ठीक है? लो क्या कर रहा हूँ। हेलो तू कर क्या रहा हूँ? जोर से बोलो, जोर से। हेलो 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 मेहता, हेलो। तू अपनी बीवी की कोई और डिटेल बता यार। मेरी वाइफ की बिकनी पैंटी धागों से बंधी है। अबे दोनों की बिकनी पैंटी धागों से बंधी है। जिसकी पैंटी लाइन एकदम नीचे है वही मेरी बीवी है। चूतिए बिकनी बिकनी क्या कर रहा है बे? अपनी बीवी के बारे में बताओ, दिखती कैसी है? हाँ भाई सब ठीक चल रहा है ना। अबे तू मेहता से बात होने दे यार। हाँ लेना
हेलो 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 हाँ हाँ हेलो, तुम्हारी बीवी के वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है? हाँ, वाइटल स्टैटिस्टिक्स 34 24 34। यार ये तो दोनों ही एक जैसी लग रही हैं। हेलो और कोच? मेरी बीवी की हाइट 5 फुट 5 इंच है। और कोच? वो स्विमिंग करते वक्त अपनी घड़ी नहीं उतारती, वाटर प्रूफ है। और कोच? उसके बाल कंधों तक हैं। हाँ, एक के बाल कंधों तक हैं। वही मेरी बीवी है। अबे लेकिन दूसरी ने तो स्विमिंग कैप पहन रखी है, उसके बाल भी तो कंधों तक हो सकते हैं। शिट शिट शिट। और कुछ? हाँ भाई, सब ठीक चल रहा है ना? अबे यार तुम मैटर से बात होने दे यार। हाँ दे ना। हेलो, देखिए मेरी बीवी के कंधे पर एक छोटा सा तिल है। अबे चूतिए, मैं टेलीस्कोपिक साइट से देख रहा हूँ, माइक्रोस्कोप से नहीं देख रहा हूँ। लाडू को तिल नहीं दिखता इसमें। एक काम कीजिए, दोनों को मार दीजिए। गुड आइडिया, लेकिन दुगने पैसे लगेंगे, पूरे 10 लाख। 10 लाख? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। कुछ डिस्काउंट नहीं मिल सकता? नो डिस्काउंट, बाटा रेट प्लीज। नहीं नहीं, एक काम करते हैं, आज का प्रोग्राम पोस्टपोन करते हैं, अगले संडे का रखते हैं, तब मैं अपना चश्मा भी ले आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, अगले संडे नहीं, आज ही। आज नहीं हो सकता यार, टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस। सॉरी, यू हैव टू वेट टिल नेक्स्ट संडे। एक सेकंड, मुझे एक बढ़िया सा आइडिया आया है। हाँ भाई, सब ठीक है ना? अबे उड्डा, उस चूतिया को बोल के अगले संडे का रखते हैं। भाई सुन, देखो मेरी बात सुनो, प्रोफेसर कह रहा है कि मेरा आइडिया प्लीज सुन लो। एक मिनट। हाँ बोल। मैं डिस्कनेक्ट करके रीजन जिमखाना फोन लगाता हूँ। ओ हुड्डा, मैनेजर से कहूंगा कि मुझे मिसेज मेहता के साथ बात करनी है। ओ हुड्डे, मैनेजर अपना कॉर्डनेस किसी अटेंडेंट के साथ स्विमिंग पूल पर भेजेगा। दोनों औरतों में से जिसने फोन उठाया वही मेरी बीवी होगी, और प्रोफेसर से कहो कि उसी पर गोली चलाए। यार तना तो कमाल कर दिया, मैं तो बहुत बढ़िया आइडिया यार, मैं तो समझ रहा था तो बिल्कुल चूतिया है।